हेलो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिसिटी के कुछ टॉपिक्स पढ़े थे ठीक है और आज हम पढ़ेंगे कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में ठीक है इससे पहले हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज टाइप्स ऑफ चार्ज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज ठीक है चार्ज कितने टाइप के होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं आज पढ़ते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में वाट आर कंडक्टर्स कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है ठीक है दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास और कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स लाइक सिल्वर कॉपर एल्यूमीनियम एट्सट्रा बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो क्या हैं कंडक्टर्स हैं ह्यूमन बॉडी भी एक कंडक्टर है ह्यूमन बॉडी में से भी करंट पास हो सकता है ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो ए कंडक्टर ओके तो ये जो कंडक्टर हैं ये कंडक्टर क्यों हैं क्योंकि इनके पास फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ठीक है फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे जिन सब्सटेंस के पास इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं मींस इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएंगे वहाँ पे और इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो वहाँ से करंट पास करवाएंगे क्योंकि हमें पता है और हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि वॉट इज करंट फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट तो जिन सब्सटेंसेस के पास फ्री इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ठीक है वो सब्सटेंस क्या बनाते हैं कंडक्टर्स है? ठीक है अच्छा इंसुलेटर की अगर हम बात करें वाटर आर इंसुलेटर्स इंसुलेटर वो सब्सटेंस हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती ठीक है दोनों में बस डिफरेंस मेन यही है जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है वो सबस्टांस क्या कहलाते हैं कंडक्टर और जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती वो क्या कहलाते हैं इंसुलेटर सिल्वर जो एक बेस्ट एग्जाम्पल है कंडक्टर uh, का सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ठीक है और कॉपर भी एक अच्छा कंडक्टर है कॉपर में भी करंट पास हो सकता है इसके अलावा भी एल्यूमिनियम भी एक अच्छा सब्सटेंस uh, है जिसमें से करंट पास हो सकता है ठीक है इंसुलेटर के एग्जांपल्स क्या हैं देखो रबर हो गया पेपर ड्राई वुड ठीक है ये सभी क्या है इंसुलेटर हैं जिनमें से करंट पास नहीं हो सकता ठीक है इलेक्ट्रिसिटी को जब हम जब इलेक्ट्रिस जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं वो क्या करते हैं रबर के ग्लव्स यूज़ करते हैं क्योंकि वो क्या होते हैं इंसुलेटर्स होते हैं और इंसुलेटर में करंट फ्लो होगा नहीं ठीक है तो अपनी सेफ्टी के लिए क्या यूज़ करते हैं रबर ग्लव्स यूज़ करते हैं ठीक है जो सबसे मेन वर्ड जो है वो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मीनिंग मैंने जैसे कल हम लोगों ने बात की थी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के बारे में ठीक है जैसे मान लो एटम है एटम के अंदर क्या क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के अंदर ठीक है तो जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे मीन्स मैंने बताया था कल आपको कि अगर सिक्स इलेक्ट्रॉन हो और फोर प्रोटॉन हो ठीक है तो इस पे टोटल चार्ज क्या होगा मैंने बताया था कल आपको टोटल चार्ज पे क्या आ जाएगा टू ई माइनस क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है माइनस प्रोटोन पे कैसा होता है प्लस तो टोटल चार्ज हमारे पास क्या हो है माइनस टू ई ठीक है तो अब हम ये कह सकते हैं कि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं दो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं ठीक है ठीके? तो ये अगर ये दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे मूव कर पाए चल पाए ठीक है क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग क्या होता है जब चार्ज मोशन करता है और उसकी स्टडी जो हम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी तो अगर ये चार्ज यहाँ पे मोशन करना स्टार्ट कर दे तो वहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है और वो क्या बन जाएंगे कंडक्टर्स बन जाएंगे ठीक है तो मेनली जो हमने डेफिनेशन पढ़ी हैं अभी वो कंडक्टर इंसुलेटर की वो हैं कि जिन सब्स्टान्स में से करंट पास हो सकता है या इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है वो क्या कहलाएंगे कंडक्टर एग्जाम्पल जो इनके बेस्ट एग्जाम्पल हैं सिल्वर कॉपर एल्यूमिनियम इसका एग्ज़ाम्पल है और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इंसुलेटर के जो मेन एग्जाम्पल हैं वो रबर पेपर ड्राई वुड और वो सब्सटांस इनमें से करंट पास ना हो सके ठीक है वो क्या कहलाएंगे इंसुलेटर्स नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो इलेक्ट्रिक करंट अभी हमने देखा था वाट आर कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स कंडक्टर में हम बात कर रहे थे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ठीक है और मैंने बताया था कि फ्री इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो वहां पे करंट फ्लो होगा किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर करंट फ्लो होता है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो देखो डेफिनेशन में क्या करें इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट ऑफ कंडक्टर इन वन सेकेंड सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर है कंडक्टर मैंने भी आपको एग्जाम्पल ही बताए थे सिल्वर कॉपर ठीक है एल्यूमिनियम और मान लो यहां इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ठीक है जब इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस एरिया में से पास होंगे ठीक है तो यहां पे करंट फ्लो होगा ठीक है तो करंट फ्लो की डेफिनेशन क्या दी गई कि अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट किसी भी मान लो ये गिवन पॉइंट है यहाँ से कोई अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है ठीक है तो उसको हम क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट ठीक है पर सेकेंड कितने चार्ज पास हो रहे हैं ठीक है पर सेकेंड कितने चार्ज पास हो रहे हैं या कहें फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड ए कंडक्टर द इलेक्ट्रिक करंट चार्ज का फ्लो होना पर सेकेंड किसी भी कंडक्टर में से क्या कहलाएगा इलेक्ट्रिक करंट ठीक है तो ये इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन हुई कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है कोई भी हमारे पास कंडक्टर है कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे इलेक्ट्रॉन चलेंगे मूव करेंगे ठीक है तो उस कंडक्टर में से करंट फ्लो होगा ठीक है तो देखिए अब इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट किससे करते हैं तो इसको हम आई से डिनोट करते हैं ठीक है इलेक्ट्रिक करंट को आई से लिखा जाता है फॉर्मूला क्या बनेगा आई इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज चार्ज फ्लो मीन्स कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू भी आप लिख सकते हो क्यू कि, कि, किस को डिनोट करता है चार्ज को हम पहले पढ़ चुके हैं चार्ज क्यू से डिनोट होता है क्यू बाय टी तो ये इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला है ठीक है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी का मीन्स क्या हुआ कि फ्लो ऑफ चार्ज ठीक है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट हम ये भी इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम या इन वन सेकेंड इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट ठीक है इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है देखो यूनिट चार्ज की यूनिट क्या होती है कलाम टाइम की क्या होती है सेकेंड तो गुलाम पर सेकेंड बोल सकते हैं इसको या तो आप गुलाम पर सेकेंड बोलो गुलाम पर सेकेंड या फिर इसकी एक यूनिट होती है, एक साइंटिस्ट के नाम पे एम्पियर जिसको कैपिटल ऐसे लिखते हैं ठीक है तो चार्ज की यूनिट क्या होती है एम्पियर जब भी आपसे पूछा सॉरी करंट की यूनिट क्या होती है एम्पियर चार्ज के तो हम पढ़ चुके हैं पहले भी कुलाम होती है यूनिट ऑफ चार्ज इज कुलाम यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर ठीक है तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है ठीक है इस फॉर्मूले से हम इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको चार्ज की वैल्यू दी गई हो और टाइम की वैल्यू दी गई हो कि इतने चार्ज फ्लो हो रहे हैं इतने टाइम में किसी पर्टिकुलर एरिया में से तो बताओ वहाँ कितना करंट पास हो रहा है तो आप इस फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर कर सकते हो ठीक है अब इलेक्ट्रिक करंट जो मेजरमेंट है वो किससे किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए भी कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होगा ठीक है तो इसको मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है उसको बोलते हैं एम्पियर सॉरी एमीटर ठीक है एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो आपको करंट के बारे में बताएगा ठीक है कि कितना करंट पास हो रहा है किसी भी पर्टिकुलर कंडक्टर में से या किसी डिवाइस में से कितना करंट पास हो रहा है वो आपको एमीटर बताएगा अगर आप किसी कंडक्टर पे कंडक्टर के साथ एमीटर का यूज करें तो आपको करंट की वैल्यू भी पता चल जाएगी करंट उस कंडक्टर में से कितना पास हो रहा है ठीक है तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या है फ्लो ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम या फिर आप कह सकते हो फ्लो ऑफ चार्ज इन वन सेकेंड इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट ठीक है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार आता है एक नंबर में कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है एम्पियर ठीक है इसको मेजरमेंट किससे करते हैं एमीटर से एमीटर से करंट को मेजर किया जाता है ठीक है करंट को मेजर करने की यूनिट एम्पियर तो है ही ठीक है कुछ स्मॉल यूनिट भी होती हैं स्मॉल यूनिट क्या होती हैं देखो स्मॉल यूनिट्स जैसे मिली एम्पियर मिली एम्पियर ठीक है इसको बोलते हैं मिली एम्पियर मिली एम्पियर कितना होता है टेन देसो पावर माइनस थ्री एम्पियर जहाँ भी आपके पास ये स्मॉल एम आया मीन्स मिली मिली एम्पियर ठीक है या फिर माइक्रो एम्पियर माइक्रो ये माइक्रो को लिखने का सिंबल है म्यू से लिखते हैं इसको माइक्रो को, ठीक है ये माइक्रो को लिखते हैं माइक्रो का मीन्स क्या हुआ टेन एस टू पावर माइनस सिक्स ठीक है मिली का मतलब माइनस थ्री और माइक्रो का मतलब क्या हुआ मैं यहां लिख देता हूं

जैसे मान लो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है ठीक है और इलेक्ट्रिक करंट की यून, यूनिट हमने क्या बताई अभी एमपियर ठीक है तो अगर हम यहाँ पे करंट को वन एमपियर लेते हैं मान लो वन एम हमने करंट को कंसिडर किया है ठीक है और इलेक्ट्रिक चार्ज को भी अगर हम वन गुलाम कंसिडर करके चलें और मान लो वन सेकेंड के अंदर ठीक है वन सेकेंड तो ये हम देखते हैं कि एक गुलाम चार्ज एक सेकेंड में अगर किसी कंडक्टर में से पास हो रहा है तो वहां पे कितना करंट होगा वन एम्पियर ठीक है वन एम्पियर तो यहां से हम वन एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं वन एम्पियर को वन एम्पियर को डिफाइन कर पाएंगे कैसे वैन वन कोलाम चार्ज इज फ्लोइंग इन वन सेकेंड थ्रू ए कंडक्टर देन इट इज वन एम्पियर ठीक है करंट की डेफिनेशन आपको पता है कि फ्लो ऑफ चार्ज इन वन सेकेंड ठीक है या फ्लो ऑफ चार्ज इन गिवन टाइम इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वन एम्पियर को डिफाइन कीजिए तो वन एम्पियर को आप डिफाइन कैसे करेंगे जब वन गुलाम चार्ज एक सेकेंड में पास होता है तो वो किसके कोल आता है वन एम्पियर के, के कोल आता है ठीक है तो यहाँ से हम लोगों ने वन एम्पियर को डिफाइन कर दिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है वन एम्पियर ठीक है वन एम्पियर वैन वन कुल चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इन वन सेकंड दैन इट इज नोन एज द वन एम्पियर ठीक है तो इलेक्ट्रिक करंट की हमने कुछ बेसिक पॉइंट्स यहाँ पे स्टडी किए जैसे डेफिनेशन यूनिट यूनिट हमारे पास एम्पियर है इसकी और स्मॉलर यूनिट जैसे मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर माइक्रो कितना होता है दस की पावर माइनस छः टेंथ पावर माइनस सिक्स एंड टेंस पावर माइनस थ्री इज मिली एम्पियर ओके दिस इज इलेक्ट्रिक करंट एक नूमेरिकल सॉल्व करते हैं देखिए जो आपकी स्क्रीन पे है स्क्रीन पे जो नूमेरिकल है देखिए क्या कुछ गिवन है आपको एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रोज ए करंट ऑफ जीरो पॉइंट टू फाइव एम पी एयर फोर ट्वेंटी मिनट कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट मीन्स एक बल्ब है जो जीरो पॉइंट टू फाइव एम पी एयर करंट गेन करता है ड्रो करता है सर्किट से और बीस मिनट तक वो उसमें से करंट ड्रॉ करता है ठीक है तो आपसे पूछा है कि बताओ कितने कितना इलेक्ट्रिक चार्ज उसमें से फ्लो होगा ठीक है तो लेट सॉलिड देखिए सबसे पहले क्या गिवन है आपको गिवन करंट इज गिवन जीरो पॉइंट टू फाइव क्लियर यह आपको गिवन है और टाइम गिवन है आपको कितना ट्वेंटी मिनट्स सेकंड में चेंज कर लीजिए ट्वेंटी इंटू सिक्सटी क्योंकि हमें तो ऐसा यूनिट में चेंज करना है जब भी मिनट में आए सेकेंड में चेंज करोगे आप दैट इज ट्वेल्व हंड्रेड सेकेंड्स ठीक है आपको फाइंड आउट क्या करना है आपको चार्ज फाइंड आउट करना है क्यों फाइंड आउट करना है आपका ठीक है तो फॉर्मूला हमें पता ही इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला नो वाट इज इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल टू टी और आपको फाइंड क्या करना है आपको तो चार्ज फाइंड करना है ठीक है तो आई कितना है देखो 0.25 और चार्ज कितना है हमारे पास वो तो हमें फाइंड आउट ही करना है और टाइम कितना है देखो 1200 सेकेंड तो क्यों कितना आएगा हमारे पास 0.25 1200 ठीक है सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आएगा आपके पास ये 300 म मीन्स इतना चार्ज जो है वो फ्लो होगा ठीक है सर्किट में से मींस जहां पे बल्ब लगा है उस पूरे सर्किट में से इतना चार्ज फ्लो होगा अगर ये कंडीशन हमें गिवन है तो क्वेश्चन में जो है वो हमें इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू दी गई है 0.25 पॉइंट और ये जो करंट है वो 20 मिनट तक फ्लो करता है तो 20 मिनट तक फ्लो करेगा तो हमसे पूछा है कि बताओ इतने टाइम में कितने अमाउंट का चार्ज उस सर्किट में से फ्लो हो जाएगा तो करंट की वैल्यू हमें गिवन है 0.25 पॉइंट टाइम आपको 20 मिनट गिवन है तो आपने उसको सेकंड में चेंज किया फॉर्मूला अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इसको डिस्कस किया था आई इज इक्वल टू क्यूब आई टी इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम चार्ज हमें फाइंड आउट करना है करंट गिवन है टाइम आपको गिवन है तो आपने यहाँ से चार्ज के वैल्यू फाइंड आउट कर ली दैट इज थ्री हंड्रेड कुल इस टाइप के नूमेरिकल जब भी आएंगे आप ये फॉर्मूला आपके पास गिवन है इससे आप सोल्व कर सकते हैं ठीक है अब यहाँ पे तो आपको चार्ज फाइंड आउट करना था आप इलेक्ट्रिक करंट भी फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपको चार्ज गिवन है तो ठीक है तो डिफरेंट टाइप के नूमेरिकल यहाँ पे आ सकते हैं देखिए आपके पास ए, स्क्रीन पे दो क्वेश्चन और हैं इनको भी हम सोल्व करते हैं ठीक है सेकेंड क्वेश्चन क्या है देखिए इफ ट्वेंटी चार्ज पास ए पॉइंट इन सर्किट इन वन सेकेंड वट करंट इज इज फ्लोइंग ठीक है तो लेट्स सोल्व क्वेश्चन सेकेंड देखिए गिवन क्या है क्वेश्चन में गिवन आपको है चार्ज कितना चार्ज गिवन है ट्वेंटी कुलाम ठीक है पास होता है किसी भी पॉइंट से सर्किट के अंदर एक सेकेंड में तो टाइम कितना आपके पास वन वन सेकेंड ठीक है आपको फाइंड आउट क्या करना है आपको करंट फाइंड आउट करना है ठीक है तो अभी जो हमने फॉर्मूला यूज किया था आई थिंक वो आपको याद है दैट इज आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी ठीक है तो चार्ज कितना गिवन है ट्वेंटी टाइम कितना है वन तो क्या आंसर आएगा आपके पास ट्वेंटी एम्पियर एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ठीक है एमपियर हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है तो देखो ये क्वेश्चन भी हमने इस वाले फॉर्मूले से सोल्व कर लिया ठीक है मैंने बताया था अगर चार्ज ही नहीं अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी होती है तो हम इसी फार्मूले का यूज़ करके इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है तो अब यहाँ इस क्वेश्चन में हमें चार्ज की वैल्यू गिवन थी ठीक है टाइम की वैल्यू गिवन थी और हमें फाइंड आउट क्या करना था इलेक्ट्रिक करंट और वो हमने फाइंड आउट कर लिया सोल्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिए थर्ड का अब थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या गिवन आपको गिवन आपको है करंट गिवन है कितना फोर एम्पियर ठीक है और क्या गिवन आपको टाइम टाइम कितना गिवन देखिए टेन सेकंड्स टेन सेकंड्स ठीक है और फाइंड क्या करना है आपको चार्ज फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला वही लगेगा सेम क्या फॉर्मूला है देखिए नो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी ठीक है तो इलेक्ट्रिक करंट कितना है फोर और चार्ज आपको फाइंड आउट करना है और टाइम कितना आपके पास देखो कितना गिवन है टेन ठीक है तो यहां से क्यू की वैल्यू या चार्ज वैल्यू कितनी आएगी फोर इंटू टेन फोर्टी कुल तो चार्ज कितना है हमारे पास फोर्टी कुल ठीक है तो दो क्वेश्चन हमने और सोल्व किए उसी फॉर्मूले से उसी कंसेप्ट का यूज करते हुए ठीक है इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके इसी फॉर्मेट में ठीक है बहुत सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज निकालने के फॉर्मूले आपको जो है वो मेन ये फॉर्मूला है और इससे आप इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो और करंट और टाइम आपको गिवन हो और आप इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपको चार्ज और टाइम गिवन हो ठीक है दोनों टाइप के हमने क्वेश्चन किए हैं एम्पियर जो है वो किसकी यूनिट है वो करंट की यूनिट है और कलाम किसकी यूनिट है चार्ज की यूनिट है ठीक है बताया था मैंने कि एम्पियर एक बिग यूनिट है इसके इससे स्मॉल यूनिट भी होती हैं जैसे मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर ठीक है वन कुलम को सॉरी वन एम्पियर को हमने डिफाइन किया कि वन गुलाम चार्ज अगर फ्लो होता है वन सेकेंड में वन गुलाम चार्ज फ्लो वन सेकेंड में तो उसको तो हम क्या बोलते हैं वन एम्पियर ठीक है तो आई थिंक आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे ध्यान आपको ये रखना है यूनिट्स का आपको ध्यान रखना है यूनिट कैपिटल ए से एम्पियर को लिखा जाता है और कैपिटल सी से गुलाम को लिखा जाता है यूनिट आपको मेंशन करनी बहुत जरूरी है कई बार आप क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ देते हैं ट्वेंटी लिख के या फोर्टी लिख के सो यू कैन नॉट आइडेंटिफाई वॉट इज द आंसर विस टाइप ऑफ आंसर ठीक है कि आंसर जो आपने निकाला वो किसका है वो करंट है या चार्ज है वट एवर तो यू शुड मैंशन द यूनिट ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी ओके स्टूडेंट्स थैंक यू